लास्ट ईयर का बैलेंस शीट तो है नहीं, एविडेंस फंड दिया है मिला सबको, तो आपको बनाने की जरूरत है ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, बनाने का तो कर लेना प्रैक्टिस के लिए, लाइफ लाइन हॉस्पिटल बट जरूरत नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मार्क करो फटाफट। फर्नीचर कम ऑन 24 पेज 120। फर्नीचर इज वॉट एसेट्स, मेडिसिन, कमॉन, एक्सपेंसेस, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, एक्सपेंस सैलरी टू स्टाफ, एक्सपेंस सर्जरी एक्सपेंस, एक्सपेंस सर्जिकल इक्विपमेंट एसेट, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज एसेट्स, ऑलवेज फिक्स डिपॉजिट्स एसेट्स, बैलेंस कैरी डाउन एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर एसेट, ओपनिंग बैलेंस इज लास्ट ईयर एसेट, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट मेकिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, so we won't be showing that, okay? Subscriptions, एक इंच दिया है, अशुद्ध मिलावटी, all adjustments you need to do, okay? Entrance fees के बारे में बड़ा कुछ तो दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया, बड़ा भी समझो। Capitalize, sad जी वाले incomes, entrance fees का कुछ नहीं दिया तो capitalize, add to capital fund, मिला? Life membership fees, capitalize. दिया ही है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर इनकम, इसमें बुक वैल्यू प्रॉफिट लॉस मत ढूंढना, रख दिए वो सेंडरी इनकम है, ठीक है, सेल ऑफ न्यूज पेपर इज स्क्रैप, दैट इज इनकम, सिंपली इनकम। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, वेरी गुड, एड टू बिल्डिंग फंड, विल यू एड इट टू कैपिटल फंड, रिमेंबर लास्ट लेक्चर एंड लास्ट आइटम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड is add to it. Check, do you have any building fund in the last year? You had? Guys, suno. Suniye, gaon wale suniye. Assets ka kya rule tha? Last year assets hai, current year asset. Phir SPD karte ho. Waisi fund ka funda kya hai? Check, do you have any fund in the last year? Bring it down to current year. And then, agar fund ke related koi receipt hai, to add. एंड फंड रिलेटेड में एक्सपेंस है सब था, तो यहाँ पे बिल्डिंग फंड था आपके पास, कितना था? 4 लाख था, लास्ट ईयर ही क्रिएटेड था, तो लास्ट ईयर से करंट ईयर लाओ, उसमें और डोनेशन आए, क्या करो? एड टू बिल्डिंग फंड, तो 4 लाख प्लस 120 विल बिकम 520, इज देयर एनी एक्सपेंस? नो, बिल्डिंग इधर से सब्ट्रैक्ट मत कर देना, बिल्डिंग इज एसेट, एक्सपेंसेस है रेनोवेशन एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस तो करोगे, वरना करने की जरूरत, वो बोलेगा आपको बिल्डिंग फंड एक्सपेंस अलग से, समझा? फंड का फंडा समझा, लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी, फंड का रिसीट आया, फंड का एक्सपेंस माइनस फ्रॉम पर, सुना? तो यहां पे खाली रिसीट है, तो कैसे दिखाने का? लास्ट ईयर लाइबिलिटी, लास्ट ईयर लाइबिलिटी तो हम बना नहीं रहे हो, तो उसको लेके आना है करंट ईयर लाइबिलिटी में, प्रेजेंटेशन देख लो, करंट ईयर लाइबिलिटी में आप लिखोगे पहले बिल्डिंग फंड, इनर कॉलम कितना? 4 लाख, और उसपे आप ऐड कर दोगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,20,000, तो आउटर कॉलम आएगा 5,20,000, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दैट क्लियर? कम टू द एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट वन देर आर टू कॉलम्स, 1 for 10 एंड 31st March 11, व्हाट इज दैट? लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ करंट ईयर क्या करो? अरे करंट ईयर एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट, बिकॉज इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, व्हाट अबाउट लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग? माइनस एंड एसेट ऑफ लास्ट ईयर, व्हाट दैट डजंट बिलोंग टू दिस ईयर, प्री रिसीव, करंट ईयर प्री रिसीव क्या करेगा? माइनस एंड लाइबिलिटी ऑफ दिस ईयर एंड प्री रिसीव ऑफ लास्ट ईयर, एड एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी, एड एंड लास्ट ईयर लाइफ, बिल्डिंग 11 लाख था, 11 लाख है, कोई चेंज है? कुछ है एसपीडी? नहीं, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख था, 1.5 लाख है, एलवाई सीवाई एज इट इज, नो एसपीडी, लास्ट ईयर भी 11, इस साल भी 11, लास्ट ईयर भी 1.5, इस साल भी 1.5, कैपिटल फंड लास्ट ईयर 861, ये सब क्वेश्चन मार्क दिया, हम ढूंढेंगे ना आउटर कॉलम,
और बिल्डिंग बनने में लास्ट में 4 लाख, ये साल भी क्वेश्चन मार गया, नहीं नहीं 520 हो गया एड हो गया ऊपर ही वाले कैपिटल फंड बिल्डिंग फंड समझा LYL CYL एनी हिडन एडजस्टमेंट्स यू डॉट्स सब्सक्रिप्शन हाउ मेनी डॉट्स 4 डॉट्स यू अंडरस्टूड व्हाई दो आउटस्टैंडिंग है दो प्री रिसीट है संजा सबका रो इफेक्ट आएगा क्यों शुद्ध है अशुद्ध है मिलावटी सब कचरा पड़ा है चारों डॉट्स चारों एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन में समझा बिल्डिंग पे कुछ है इन्वेस्टमेंट नथिंग बिल्डिंग फंड पे 1 डॉट बिल्डिंग फंड 1 डॉट या डोनेशन पे डालो या बिल्डिंग फंड आपकी मर्जी सब्सक्रिप्शन पे 4 डालो डोनेशन पे 1 डालो सॉरी बस खत्म चार कुछ से करो फटाफट लास्ट सम उड़ाओ आज जल्दी जल्दी फ्री हो जाओगे फॉर अ चेंज जल्दी जाओ और होमवर्क करो चलिए करिए फटाफट सॉल्व आर्य मेहता सॉल्व बेटा सॉल्व जान किधर है आर्य डिस्ट्रैक्टेड मैं उसके बाजू में 30 बैठा खत्म वो फोकस रहता है वो खुद फोकस रहता है बाकी सबको डिस्ट्रैक्टेड करता है अपना अपना ध्यान रखने का चुपचाप पढ़ने का पहले फोकस रखने का बाजू वाला ये कर रहा है बाजू वाला वो कर रहा है बाजू वाला घूमने जा रहा है जाने दो उसको वो बाजू वाला आके तुमको कमा के खिलाने वाला नहीं है खुद का करियर खुद को बनाना एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कुछ नहीं दिया तो कैपिटलाइज एड टू कैपिटल फंड वो सैड जी वाले 4 आइटम्स इनकम है पता है ना सैड जी वाले कौन से सब्सक्रिप्शन एडमिशन फी डोनेशन ग्रांट वो इनकम बाकी कैपिटल है धीरू सोमानी ने किया कंप्लीट ये हेल्थ कार्ड को कोई जानता है क्या पागल लड़की है ही वो मैं क्या बोल रहा हूँ मैड ओनली मेरी लेक्चर्स एब्सेंट Thank you.
अरे नहीं तुम दो मिनट हो गया शो में तो बुक वंशी लाएगा वंशी एबीसी चालू है ना अभी एबीसी चल रहा है टीवी नया सीजन अभी